आवाज जा रही है मेरी? अच्छा हाँ सर, क्लियर है। देखो, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास। कॉपी कलम तो नहीं निकाले होगे इतनी सुबह सुबह। लिख भी रहे हैं सर। आधुनिक भारत का इतिहास अब आराम से पढ़ो, जितना टाइम तक पढ़ सकते हैं, पूरा दिन अपना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे हम लोग देख लिए एंशियंट प्राचीन भारत का इतिहास, कि प्राचीन काल में भारत में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए, संस्कृति क्या थी, राजा महाराजा कैसे थे, उनकी क्या नीतियाँ थी। फिर हम लोग मिडाइवल देखे, मध्यकालीन भारत देखे, उसमें सल्तनत काल देखे, मुगल काल देखे, विजयनगर साम्राज्य भी देखे, तो उन लोगों की क्या नीतियाँ थी, उस समय में भारत का क्या क्या था, कैसा भारत था। अब उसके बाद तीसरा भाग जो आता है, यह और ये अंतिम भाग है भारतीय इतिहास को पढ़ने का, वर्ल्ड नहीं ना पढ़ना है सर। न न वर्ल्ड नहीं पढ़ रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें ए नंबर पढ़ेंगे, पहला नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर इसमें पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। लिखते जाओ, भारत में यूरोपियों का आगमन। आगमन तो भारत में यूरोपी लोग आए, यूरोपियन लोग आए, क्यों आए, कैसे आए, आगे हम लोग इस पे जिक्र करेंगे। पहला टॉपिक हमारा वही रहेगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। उसके बाद, इसके बाद क्या देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। ब्रिटिश, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका कंटेंट जानना होता है, कि हम लोग ए से जेड की ओर जा रहे हैं तो पहले कौन कौन से लेटर जाएंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विलय या विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में कैसे कैसे विस्तार किए, उसके बारे में जानेंगे। और सी नंबर हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति हुई, और उसी के समकालीन, उसी के समय में, और अन्य विद्रोह, उसी के समय में जो और से विद्रोह हुए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं, कोई आ नहीं रहा ना, बाकी लोग जो, ठीक है, 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह के बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर, ब्रिटिश काल के, अब आप समझोगे, आप टेंशन नहीं लेना, प्रमुख गवर्नर, ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर के बारे में देखेंगे। और ई नंबर जो होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और सातवां डी एफ जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे विविध। इसमें भी एक है विविध, विविध में कि किताबें के बारे में पढ़ेंगे, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसने साहित्य लिखा, किसने कौन सा वचन दिया, कौन कथन दिया, ये सब सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनी जो थे वो कैसे आए, क्यों आए। इसके साथ ब्रिटिश फिर आ तो गए, तो इनका ब्रिटिश साम्राज्य जो था सबसे ज़्यादा, तो यूरोपियन कंपनी में हम लोग पे तो शासन किया ब्रिटिश ही, तो हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह, फिर 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद प्रमुख गवर्नर हुए ब्रिटिश काल के, बहुत से गवर्नर हुए, बारन हेस्टिंग्स, डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, सबके बारे में, एक जो उनके द्वारा अच्छा काम किया गया है, बुरा काम किया गया है, उसके द्वारा हम लोग देखेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे, कि आंदोलन में हम लोगों ने कैसे हिस्सा लिया और हम लोग को कैसे करके आज़ादी मिली। फिर लास्ट में विविध देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, यस कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर है।
आप देखो आप देखो इकाई वन, इकाई वन इसमें देखना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले ये देखो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, क्यों आगमन हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी हम आगे बताएंगे। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के ऐसे ऐसे करते करते ये पाकिस्तान साइड से होते होते ये अरब है, ये अरब इलाका पूरा है, अमन यमन वाला सब सऊदी अरब इलाका, और ऐसे कर से ये वर्ल्ड का मैप आपको एशिया का थोड़ा सा सही तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ये जो हमारा है अफ्रीका, ये जो हमारा है वो अफ्रीका है। बात पहले की है, सुनना, बात यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होने का कारण क्या है। बात है कि भारत को क्या बोला जाता था, भारत के केरल वाले इलाके में, इधर इलाके में केरल केरल इधर है ना, केरल वाले मसाला, इधर वाले इलाके में नहीं, पूरे भारत में मसालों का व्यापार होता था, मसाला उपजाए जाते थे। अब मसालों का क्या काम है कि मसाले जो हैं, जो जो हमारी मीट होती है, मीट वो मीट होती है, उनको बहुत दिनों तक कंजर्व रखता था, बहुत दिनों तक कंजर्व रखता था। मतलब कि अभी भी अचार आप देखते हो तो अचार में मसाले को लगाया जाता है, तो अचार आपका एक एक साल दो दो साल तक अचार को खाते हो। इसके साथ मीट वगैरह में ये मसालों को लगाकर, हल्दी, नमक, आपका मिर्च पाउडर, ये सब लगाकर देखते हो 4-5-6 घंटे के लिए भी छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, मीट खराब नहीं होता है। तो ये मसालों का, और उस समय क्या था, उस समय था कि मसालों का बहुत बड़ा भारत में व्यापार था। तो व्यापारी ऐसा नहीं था, अब बताओ कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा, मतलब भारत की खोज की, तो भारत पहले नहीं था, था सर लेकिन रास्ता की खोज की, पहले भारत आने का रास्ता नहीं था, कुछ तुनिया से था। हाँ बात होता था ना, बात होता था कि यहाँ पर एक देश है इस साइड को, तुर्की, और इस साइड को है, तुर्की में ही आपका क्या है, कुस्तुनिया, क्या हो रहा है, तुर्की में ही आपका एक देश है कुस्तुनिया, ठीक है। तो उधर से, तो उधर से क्या होता था कि यूरोपीय कंपनी जो थी पहले यहां से आती थी, यहां से आती थी, एक मिनट रुक जाओ, अब देखो बात क्या होता था कि यहां से आती थी और इधर से सामान लेकर, इधर से अचार वगैरह, वो मसाले वगैरह लेकर, इधर से मसाले वगैरह लेकर अरब होते, कुस्तुनिया होते, इधर को जाती थी, ठीक है। हुआ क्या कि कुस्तुनिया पे राजा बदल गए, कुस्तुनिया पे राजा बदल गए। अब यूरोप के जो भी लोग इधर से रास्ता आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, इधर से व्यापार करने के लिए आते थे, उनको भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था, बहुत ज्यादा टैक्स। इसके साथ क्या होता था, टैक्स चुकाने के साथ साथ जब ये सब देश को पार करते थे, अरब वाले देश को पार करते थे,
तो आक्रमण भी हो जाता था, इनके सामान को लूट भी लिया जाता था, तो इनका मुनाफा बहुत कम मुनाफा होता था, बहुत कम मुनाफा होता था। और उसके बाद तुर्की पर एक दूसरे राजा का ये आपका उद्भव भी हो गया, दूसरे राजा आ गए, दूसरे राजा आ गए तो ये प्रॉब्लम होने लगा। वो लोग बोले कि कौन राजा का क्या नाम था? नहीं मालूम सर। उस्मानिया, इस राजा का नाम था उस्मानिया। उस्मानिया शुरू से समझो हुआ क्या, समझोगे? यही बस थोड़ा सा समझने का है, थोड़ा सा इधर समझने को है, हुआ क्या जो थोड़ा सा समझो कि पहले भी ऐसा नहीं था कि भारत की, जैसे हम लोग खोज करते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो ऐसा नहीं है भारत गुम था। भारत का के साथ पहले से ही व्यापार होता था। पहले हम आपको पढ़ाए थे कि अरब आए, अरब के बाद सिकंदर वो सब आए, रोमन आए, ग्रीक आए, सब लोग आए, ईरानी आए, सब लोग आए। पर यूरोप लोग, यूरोपियन क्यों आए? भारत में क्या था? हमारा भारत था मसालों का बहुत बड़ा निर्यातक देश था। सुनो ना, थोड़ा सा ये पॉइंट समझ लोगे तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्यों आए। तो भारत क्या था कि मसालों का बहुत बड़ा निर्यातक देश था, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ मसाले उगाई जाती थी, और मसाले उगाई जाती थी। और इधर था यूरोप, और बीच में इधर है यूरोप, और बीच में पड़ता था आपका अरब, बीच में अरब देश पड़ता था, तुर्क देश पड़ता था। तो यूरोप के व्यापारी क्या करते थे, ये जमीनी रास्ते से भारत में आते थे, और यहाँ पे मसाले को लेकर इधर वापस की ओर चले जाते थे जमीनी रास्ते से यूरोप। और यूरोप में क्या करते थे, अपना सामान को बेचते थे, मसालों को बेचते थे। मसाला की मांग क्यों थी इतनी ज़्यादा? मसाला की मांग इसलिए थी कि उधर के लोग ज़्यादा मीट पसंद करते थे। तो मीट में क्या होता है, मसालों को लगाने से मीट बहुत दिनों तक क्या होता था, कंजर्व रहता था, बहुत दिनों तक कंजर्व रहता था, जिससे वो लोग मसाले को बेचते थे। बात हुई कि तुर्की एक अभी जो देश है, तुर्क पर एक नया साम्राज्य आ गया, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत का जो ये आ गया, राज आ गया तुर्की पर, उधर की तुर्की जब व्यापार करने में जा रहे थे, तो जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली जाना है हम लोग को, मैं पटना का व्यापारी हूँ, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है कि जीन्स बहुत सस्ता मिल रहा है, जीन्स दिल्ली में सस्ता मिल रहा है, और पटना के लोगों को जीन्स बहुत पसंद है, जीन्स पहनना बहुत पसंद है। बात क्या हुआ कि पटना के लोगों को जीन्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं क्या किया, पहले कहाँ पार किया, पहले अपना बक्सर आरा पार करते, मुगल सराय पार करते, उधर कानपुर को पार करते, मैं पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली में जाकर मैं जीन्स खरीदा, और जीन्स खरीदा वापस इसी रास्ते से उत्तर प्रदेश होते हुए वापस अपने रास्ते पटना में आकर जीन्स को बेचा। बात यही नहीं हुई, मैं चढ़ा संपूर्ण क्रांति पर, तो पुलिस पहले बहुत सा टैक्स लिया, जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री लिया तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सा टैक्स मुझे देना पड़ा। इसके साथ उत्तर प्रदेश में जाने से मुझे बहुत बार रोका भी जाता था। इसके साथ भी हुआ, ट्रेन पर बहुत बार जो हमारी पुलिस थी वो हमारे सामान को लूट लिया करती थी, तो अब आप बताओ कि इसमें एक बात और क्या करें कि हम लोग को ज्यादा फायदा भी हो और कम लागत, कम मेहनत भी लगे। तो एक और रास्ता पता चला कि उत्तर प्रदेश से यदि जाओगे ना तो बहुत ज्यादा, यदि वही चीज कोई और रास्ता निकल जाए, विकल्प निकल जाए, जिससे उत्तर प्रदेश न जाते हुए और हमारा काम वही दिल्ली पहुंच जाए और जींस लेकर आए, तो एक पता चला कि एक एमपी होते हुए रास्ता है, मध्य प्रदेश होते हुए रास्ता है, उधर को न पुलिस तंग करती है न कुछ तंग करता है, तो वो रास्ता को ढूंढने का प्रयास किया गया। ये समझ गए उदाहरण से? हाँ हाँ सर। तो वो पता चल गया कि क्या क्या सिस्टम हुआ था।
तो वही था, यहाँ पर उस्मानिया, यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत की स्थापना हुई, तो वो लोग आने जाने से रोकते थे। तो हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के जो एक राजा थे, शासक थे, पुर्तगाल के एक शासक थे हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर वो क्या बोले कि चलो एक ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे क्या हो कि भारत जाने में सहूलियत हो। रास्ता निकला गया, रास्ता खोजा गया, रास्ता खोजा गया अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर, कोप ऑफ गुड होप, यही रास्ता का नाम था ना, कोट ऑफ गुड हाँ, होप, उत्तरमासान द्वीप। उत्तमांसा द्वीप, या कोप ऑफ गुड होप, रास्ता खोजा गया। अब देखो रास्ता खोज लिए हम लोग, 1 मिनट, तो टॉपिक जो बताया था वो बनाओ, क्या टॉपिक था, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन ना। जी सर, अब देखो सबसे पहले कौन आया, अब सब इसमें जो सबसे पहला काम था उस ये पता करना कि सबसे पहले कौन आया। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहले आए नंबर 1 में पुर्तगाली लोग आए। आगे कैसे आए, क्या आए, हम सब कुछ आपको बताएंगे। पुर्तगाली आए 1498 में, ठीक है। अब देखो ये तो मैं बता दिया कि क्यों आए। हाँ सर, पुर्तगाली के बाद आए डच, डच। डच आए, डच आए कब आए, 1605 ईस्वी, ठीक है। अब देखो फिर कौन आए, अंग्रेज, अंग्रेज अंग्रेज, अंग्रेज कब आए बताओ, 1608 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज। फिर डेनिस आए, डेनिस लोग आए, फिर आए डेनिस, डेनिस कब आए आपके, 1620 ईस्वी में डेनिस आए। फिर लास्ट में कौन आए आपके, आए फ्रांसीसी। फ्रांसिसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कब आए, 1668 ईस्वी, 1668 ईस्वी, ठीक है। अब देखो ये अंग्रेज, ये कम यूरोपीय कंपनी, यूरोपियन देश है, पुर्तगाल, डच लोग, फिर ये ब्रिटेन का साइट, फिर फ्रांस, ये सब यूरोपियन कंपनी है। तो जब कंपनी हुई तो इसकी स्थापना, कंपनी की स्थापना हुई। अब एक बार तुम लोग कंफ्यूज यहाँ पे करोगे, पहले अंग्रेज हो जाएंगे दोनों अब पुर्तगाल सबसे करके। पहले आया तो इसकी जो स्थापना कंपनी की हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई 1498 में ईस्वी में हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ आए तो ब्रिटिश, आए तो डच, पर हो गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी जो स्थापना हुई वो 1600 में हुई। अब तुम लोग बोलोगे कि सर कि अंग्रेज आए 1608 में, पर कंपनी की स्थापना 1600 में कैसे हुई बताओ। फिर आया बताओ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज तो आए 1608 में और कंपनी 1600 में स्थापना हो गई, ये कैसे हुई नहीं पता है। एलिजाबेथ तो सर इनको मिला था सर, 1600 ईस्वी में परमिशन मिला। जब जानते हो ये इंडिया की बात नहीं हो रही, ये कंपनी इनके देश में स्थापना हुई। जब देखो हम दो पड़ोसी हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, तो तरक्की करने के पीछे राज जाने कि अच्छा बिहार में दारू बैन है, पर ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से हटिया सुपर एक्सप्रेस पे दारू लोड करके यहाँ लाकर बेच रहा है। तो हम भी एक अपने घर में गुप्तगु किए, बात बनाए सब परिवार मिलकर कि एक संस्था बनाओ, एक ऐसा हम लोग का टीम बनाओ जो झारखंड से दारू लाएंगे और बिहार में बेचेंगे। तो
वही था जब पुर्तगाली जब यहाँ से मसाला लेकर गए ना, तो वो लोग देखे सब आओ, लेकिन इसके पड़ोसी देख, बाप रे बाप, ये कमा कैसे रहा है, हम लोग स्थल मार्ग से ला रहे हैं, और जब पुर्तगाली आया था तो 60 गुना फायदा हुआ था। मतलब 1 रुपया का सामान वो 60 रुपया में बेच रहा था, 60 गुना फायदा हो रहा था, बेच तो रहा था और जाते में 60 गुना फायदा हो रहा था। तो एक का सामान 60 में बेच रहा था, तो और लोग जो डच अंग्रेज थे वो देख कर उनको लगा कि बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। तो ये लोग भी कंपनी बनाए और बोले कि हम भी अब करेंगे। तो इसीलिए अंग्रेज तो आए 1608 ईस्वी में, पर ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही बन गया। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा जो बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, वो अब समझ में आ रहा है। यस फिर क्या आया, सर, फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आया डेनिस ईस्ट इंडिया इंडिया। ये कब आया, इसका डेट देखो लिखोगे नहीं, ये ऐसे ऐसे करके हम लिख रहे हैं, पर इम्पोर्टेंट सारा डेट है, कब आए, कंपनी की स्थापना कब की, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आए फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी, ये कब आए 1664 में, ये लिख लिए, लिखे कि नहीं लिखे, आगे बढ़े। अरे सर बढ़े सर, यस सर ये सारा लिख लिए ना, पुर्तगाली लिख लो सर। कंपनी की स्थापना कब हुई। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर, लिख तो लिए, ये लोग बोल नहीं रहा है। तो बोलना जरूरी है ना, नहीं बोलिएगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा। आप देखिए, अब आगे आ जाओ, प्लस का साइन में आगे आ जाओ। अब कारण का, आगमन का कारण लिखो, लिखवा देते हैं। यूरोपीय कंपनी, अब यूरोपीय कंपनी से सब आ गए, फ्रांसीसी डच पुर्तगाल सब आ गए। कंपनी के भारत में आने का कारण, कारण कौन कौन से प्रमुख कारण, प्रमुख कारण क्या था बताओ। मुनाफा सबसे ज्यादा, मसाला का व्यापार, हाँ मुनाफा। तुम बोलेगा कि प्रमुख कारण क्या था, तो मसाला व्यापार, ठीक है। अब देखो, इसके दो कारण थे प्रमुख, एक दो कारण थे, वो तो प्रमुख कारण था, इसके दो कारण थे, इसके दो कारण थे। इसके पहला जो कारण था, पहला जो कारण था आपका, वो था 1453 में, लिखो 1453 में, दुनिया उस्मानिया सल्तनत का, उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनिया, कुस्तुतुनिया, अब देखो कुस्तुतुनिया बोल रहे हैं, तो ये जो तुर्की इलाका है ना, वो भी देश तुर्की देश है, उसका एक जगह का नाम था कुस्तुतुनिया, वह एशिया माइनर पर कब्जा 1453 में हुआ ना। उस्मानिया हाँ सर, सल्तनत, जैसे दिल्ली सल्तनत था, वैसे एक उस्मानिया सल्तनत था, वो क्या कर लिया, कुस्तुतुनिया पर क्या कर लिया, कब्जा। अब कुस्तुतुनिया पे कब्जा किया, इससे इसको यूरोपीय कंपनियों को क्या लेना देना था, इसलिए लेना देना था कि जो हमारा व्यापार हो रहा था भारत से, इन लोगों का व्यापार हो रहा था, वो कुस्तुतुनिया होते हो रहा था, कुस्तुतुनिया होते हो रहा था। जैसे हम बताए कि हमको दिल्ली जाना था जींस लाने के लिए, और बीच में क्या हो कि अभी योगी का सरकार है, और कल आ जाए अखिलेश यादव का सरकार, और वो बोले कि जितने भी बिहारी लोग हैं अब उत्तर प्रदेश से नहीं जाएंगे, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। वही बात था कि यूरोपियों को प्रॉब्लम हो गई। दूसरा है यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण
अब कोई लड़का पुनर्जागरण का मतलब समझाएगा? नई दुनिया का खोज अंधविश्वास से अंत। पुनर्जागरण लिखना है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। पुनर्जागरण कहने का मतलब हुआ, पुनर्जागरण लिखो, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि मानवतावाद, वैज्ञानिक सुधार हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ। पुनर्जागरण में वैज्ञानिक आविष्कार में बड़े बड़े जहाज बनाए गए, दिशा सूचक यंत्र बनाया गया, इसके साथ धर्म में सुधार हुआ। तो पुनर्जागरण जो है ना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करा, जिसमें क्या हुआ कि नए नए समुद्री मार्गों का खोज, नए व्यापारों का संबंध, पुनर्जागरण का मतलब यही हुआ। तो ये हुआ ना, ये तो हो गया कि उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनिया एशिया माइनर पे कब्जा हो गया। तो ये क्या किया, ये क्या किया, मसाला व्यापार में अवरुद्ध कर दिया, मसाला व्यापार, मसाला व्यापार में अवरुद्ध, अवरुद्ध, मसाला व्यापार में अवरुद्ध कर दिया। तो अब पुनर्जागरण क्या हुआ, पुनर्जागरण में तीन बात होते हैं। पुनर्जागरण में क्या होता है, मानवतावाद आता है, लड़ाई झगड़ा लूट खसोट सब बंद होता है। दूसरा पुनर्जागरण का हुआ वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार। अब देखो, वैज्ञानिक आविष्कार इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसके साथ धर्म सुधार हुआ, पुनर्जागरण। इस समय यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, 1450 ईस्वी के आसपास यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। यूरोप देखते हो पंद्रह अभी, शताब्दी के प्रारंभ में से है। तो यूरोप में अभी हम लोग ना, यूरोप में, यूरोप हम लोग से अभी बहुत आगे, बहुत आगे। अभी टोटका अंधविश्वास भारत में बहुत है, अभी भी बहुत है। पहले तो और बहुत ज्यादा था, पहले सती प्रथा था, मतलब जिसके पति मर जाते थे ना, उनकी पत्नी को साथ उसके चिता के साथ जलना होता था। छुआ छूत शूद्र भावना पहले था, अब देख रहे हो धीरे धीरे ये सब चीजें भारत से भी उठती जा रही हैं। क्या क्या मतलब कि उसे बोलते हैं नीच जाति ऊंच जाति कुछ नहीं रहा। अभी भी शहर, ये गांव में तो बरकरार है, पर शहर में देखोगे तो बिल्कुल भी उठ गया है। मुंबई वाले इलाके में देखोगे तो एकदम पूरा जो रहता है वो छूट गया है, खत्म हो गया। तो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जहाजों को बनाया गया। तो जहाजों का बनाया गया, जब जहाज बनने लगे, बड़े बड़े जहाज बनने लगे, तो जितने भी मछुआरे थे वो नए नए दुनिया की खोज करने लगे, नए नए दुनिया की खोज करने लगे, नए नए समुद्री रास्तों की खोज करने लगे। अच्छा समझ रहे हो ना, यस सर। तो नए सर, नए, सर वैज्ञानिक हाँ सर आविष्कार के बाद, क्या धर्म वैज्ञानिक आविष्कार के बाद क्या लिखें सर? सुधार, वैज्ञानिक आविष्कार और धर्म सुधार। धर्म सुधार। तो देखो, नए समुद्री मार्गों की खोज करने लगे, खोज करने लगे। तो सबसे पहले आ जाओ ब्राजील, तो ब्राजील की भी खोज किए, ब्राजील के, ब्राजील तो था ही, खोज कहने का मतलब ब्राजील छुपा हुआ नहीं था, पर रास्ते नहीं पते थे, ठीक है। तो वो किसने किए, कैबराल, कैबराले नाम है ना, कैबराल। ब्राजील की खोज किसने किया, कैबराल, कैबराल, ठीक है। दूसरा 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई, किसने किया, वास्को डी कोलंबस, गामा, अमेरिका की, कोलंबस। कोलंबस। कोलंबस जो था वो कहाँ का था, कोलंबस था कहाँ का था बताओ? स्पेन। स्पेन का था। पांडे जी आपका गाय खाना मांग रहा है, दे दीजिएगा। 1498 ईस्वी में भारत, भारत की खोज की, भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे सर
ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई रॉबर्ट कुक के द्वारा, कुक के द्वारा, जो कहाँ का था? ब्रिटेन का था। अब बड़े बड़े हम लोग के पास जहाज है, बड़े बड़े जहाज है, तो ढूंढने लगेंगे, ढूंढेंगे नए नए जगह ढूंढेंगे। हम आपको अभी बाइक दे दिया और आप पटना में नए नए आए हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, हम आपको बाइक दे दिया अपना वाला पल्सर, तो आप क्या करेंगे? नए नए जगह पर जाएंगे, इको पार्क जाएंगे, पटना जू जाएंगे, बिहार म्यूजियम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, 4-5 बार पटना वुमेन्स कॉलेज का चक्कर भी लगाएंगे। तो वही है, फिर अब की बार क्या है, न्यूजीलैंड व तस्मानिया, सर ऑस्ट्रेलिया की खोज में क्या लिखे हैं? कुक कुक आइए ब्रिटेन के थे, न्यूजीलैंड व तस्मानिया, तस्मानिया। अब देखो इसका खोज किसने किया, तस्मान, तस्मान। अब नींद टूट रहा है, सब देख रहा है कि व्हाट्सएप खोला है, अच्छा क्लास चल रहा है, कल ही बोल दिया था ना कि कल सुबह 6 बजे उठ जाना, तस्मान। 5:30 को मैसेजों कर दिए। अरे हम अपना नींद तोड़वा दिए, सवेरे सो गए कि नहीं नहीं सोएंगे, नहीं उठेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बवंडर जो मेरे को पता था। अब देखो, अब पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले अपन लोग जरा भारत का कहानी करते हैं। भारत का कहानी करने के लिए भारत का मानचित्र बनाना जरूरी है। हाँ, भारत का मानचित्र बनाने का ऑप्शन यदि हम देखते हैं, तो यदि नजर पड़ेगा सर एक क्या, बार बैक कीजिएगा ना, थोड़ा छूट गया है। सर अच्छा यहाँ तक आप लोग समझ गए? सर आप देखो, यार कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आप देखो, अब देखो एक चीज देखते हैं, इंडिया में डिजिटली पढ़ाने का तो यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। कहाँ गया अरे यार, अब देखो ये इंडिया देख रहे हो, देख रहे हो ना, सर। ये इंडिया है, और इसमें आए हमारे महानुभाव सब, आए इंडिया में, आए तो इंडिया में आए तो सबसे पहले पुर्तगाल लोग आए थे, ठीक है। पुर्तगाल जो आए थे वो आए थे केरल के पास, यहाँ पर केरल के पास आए, ये आए, देखो पुर्तगाल लिखो पुर्तगाल। अब तुम लोग इंडिया का मैप जैसे हो वैसे बना लेना। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है, हम तो बना लिए, और प्रथम केंद्र जो बनाया है तो लिखना प्रथम केंद्र। ये फिगर में मजा नहीं आ रहा है, दूसरा फिगर लाए क्या? कोचिंग कोचिन, कोचिन बनाए, कहाँ है? केरल में, 1503 में प्रथम व्यापारिक कोठी कोचिन में बनाए, ठीक है। पुर्तगाल प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 में बनाए, ठीक है। तो बोलेगा कि प्रथम व्यापारिक कोठी पुर्तगाली कहाँ बनाए, तो कोचिन केरल में बनाए। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ के आसपास, यहाँ दूसरा कौन आया था? डच आए थे ना, दूसरा डच आए थे ना सर, डच तो दूसरा डच बनाए यहाँ पर। ये आपका मसूली पट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये दूसरा डच आए, ये दूसरा डच आए, डच जो आए डच आए, तो ये कब किए? ये बनाए 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, ठीक है, 1605 ईस्वी में। अब देखो प्रथम केंद्र कहाँ बनाए? मसूली, मसूली पटनम, पटना। मसूली पटनम, यहाँ लिखो मसूली पटनम, पटनम, मसूली पटनम, यहाँ पर, यहाँ पर।
यहाँ पर दूसरा केंट बनाया डच, पहला पुर्तगाल बनाया यहाँ पर। अब देखो यहीं पर तीसरा अंग्रेज भी आए, यहीं पर अंग्रेज भी आए, तो अंग्रेज बनाए 1611 ईस्वी में, 1600। अब देखो जो शुरू से पढ़ रहा है उसको सब लोग सब चीज समझ में आ रहा है कि बात क्या से चल रही थी और क्या हो रही है, समझ रहे हो ना। यस सर। तो अंग्रेज 1611 में बनाए, और अंग्रेज भी कहाँ बनाए बताओ, पटना मसूलीपट्टनम में अंग्रेज भी आपके बनाए, ठीक है। अब देखो चौथा कौन आया, चौथा आया डेनिस, डेनिस आया ना सर। कौन सा कलर ये लगाते हैं, चौथा आया डेनिस, और डच डेनिस डेनिस 1620 में प्रथम के ट्रान कोबार, एक जगह है इधर को, ये कौन सा इलाका होता है, तमिलनाडु इलाका है ना, तमिलनाडु। तो डेनिस लोग आए, वो आए तमिलनाडु 1620 में, टानकोबार जगह का नाम है, टानकोबार। टानकोबार में डेनिस लोग आए, तो यह 1620 में बना है। अब कौन आएगा चौथा, पांचवा कौन आया बताओ, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, यहाँ पर इस वाले पोजीशन में, ये सब इस पे लिखा गया बताओ। तो फ्रांसीसी आए तो यहाँ पर ये सूरत वाले इलाका में, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की कब, फ्रांसीसी आए कब थे, लिख नहीं रहे हो, अरे सर लिख नहीं रहे हैं सर, आए और 1731 में कंपनी तो 1668 में फ्रांसीसी लोग जो है वो कंपनी स्थापना की, ये आप इतना देख लिए समझ गए, इतना लिख भी लिए होंगे फिगर बनाकर बताओ, की। हाँ सर लिखा है लेकिन फिगर बनाए करने। फिगर बना सर कर अंग्रेज का इसके साइड में जो ईस्वी लिखा हुआ वो 16 से कितना है, पांच नहीं वो ऊपर में, 1611, सोलह सौ सोलह ग्यारह से में 1611 में अंग्रेज, पहले तो देखो पहला प्रयास जो था वो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज सूरत में, यहाँ सूरत जो है ना, ये सूरत जो है ना, इसमें 1608 में ही व्यापारिक कोठी स्थापना करने की कोशिश की है, पर जहांगीर नहीं। ऑर्डर नहीं दिया और बंद करवा दिया, तब जाकर 1611 ईस्वी में आए, 1608 में, फिर 1611 में अंग्रेज यहाँ पर मसूलीपट्टनम, जो आपका कहाँ है बताओ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। वहाँ पर जाकर उन्होंने पहले अपनी व्यापारिक कोठी स्थापना की। अब हम लोग पढ़ते हैं देखो पुर्तगाल, पुर्तगाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में, रुक जाओ रुक जाओ, ये पूरा का पूरा इरेज कैसे होगा ये कर देखो, हो गया ना इरेज, आ जाओ आ जाओ। दिखाई दे रहा है, हेलो यस सर जी। आ जाओ, अब आ जाओ इस वाले फिगर पे, इस वाले पे आ जाओ, ये नहीं हुआ, रुला फिगर सिर्फ लेने दो अच्छे से,
बाद हम समझाते हैं। हाँ आ गया, अब दिखाई दे रहा है सही ढंग से। यस अब देखो यही सर। यही गेम है, गेम असली यही चल रहा है, इसको समझो। ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो, बात हुआ क्या, इधर जो तुर्की वाला इलाका है ये भी आप देख लिए हो, अरब वाला, ये अरब वाला इलाका, ये अरब है ना, ये अरब वाला सारा इलाका है, यमन हाँ ये है, सर। ये अरब वाला, ये जो फिगर, मेरा पॉइंट देखो, जो मेरा ये माउस का, बहुत छोटा पॉइंट है सर, अब उसको बड़ा करिए झूम अब देख रहे हो, ना। तो ये देखो, हाँ सर। ये जो इलाका है ना, इधर से पहले व्यापार होता था, ये पूरा यूरोपियन है, यूरोपियन संघ है पूरा, ये यूरोपीय द्वीप है पूरा का पूरा, और यस सर। तो व्यापार जो पहले होता था, व्यापार जो पहले होता था ना, वो व्यापार इधर से होता था, इधर को इंडिया, इधर को ऐसे 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 इधर को इंडिया आते थे। अब बता, पहले ही दिए, एक ही बार 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 नहीं बोलेंगे कि कुश्तुनिया कुश्तुनिया उस्मानिया कुश्तुनिया उस्मानिया तो नहीं करेंगे, लेट से आए हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो इस पर उस्मानिया का जब कब्जा हुआ ये तुर्की वाले इलाके पे, इधर वाले पे, तो इधर से रास्ता वो लोग क्या करवा दिए, बंद बंद करवा दिए। तो यहाँ जो पुर्तगाल वाला इलाका है, इधर पुर्तगाल ये है ना, कि ये है नीचे वाला है सर। ये वाला, हाँ जो भी हो, इधर एक पुर्तगाल है, जो पुर्तगाल के जो पुर्तगाल वाला इलाका है, उधर को वो लोग बोले कि एक रास्ता खोजो। तो पुर्तगाल वाले लोग क्या किए, ऐसे 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 रास्ता बनाए, ऐसे ऐसे रास्ता बनाए। अफ्रीका में एक जगह है, एक जगह यहाँ पर, ऐसे सॉरी, उत्तरमा। अफ्रीका में एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से गए हैं, एक जगह है, और ऐसे से ये साइड होते होते, ऐसे ऐसे ये साइड होते होते, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे से कालीकट पहुंचे थे, ऐसे करके ये रास्ता एक यहाँ है, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, गुड होप, एकदम दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अब इसका नाम है केप, और अब दिखाई दे रहा है ना, तो वही चल गया, रुक जाओ। अरे यार क्या हो गया, तो एक है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे एक जगह है केप ऑफ गुड होप नामक, इसी जगह से गए थे कौन, पुर्तगाली। पुर्तगाली कैसे आए थे, कब आए थे, 1400, देखो 98 पुर्तगाल जो आए थे 1498 में आए थे, ठीक है। अब सबसे पुर्तगाल के बारे में आ जाओ, अब देखो अगला पुर्तगाल, समझ गया कैसे कैसे आए थे, फिर यस फिगर की जरूरत होगी, फिर फिगर देखेंगे। 1498 में आया और 1961 में गया, ठीक है, सबसे बाद में आया, पहले पहले आया सबसे पहले आया, देखो सबसे पहले और आया, बाद में गए। तो बोलेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन यूरोपियन कंपनी आया, तो पुर्तगाल, और सबसे बाद में गया, अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं ना है, अभी भी ग्रुप में मैसेज कर दो, लेट नहीं हुआ है, ज्वाइन कर सकता है, पहले समझेगा, क्योंकि ऐसे आज सारा का वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब देखो, अब यूरोप सर में, हाँ रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, अभी हम बताए थे, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति की खोज हो रही थी। तो एक पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, देखो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, पुर्तगाली राजकुमार, दिखाई दे रहा है, यस सर। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर नाम था, हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर इसको इसीलिए बोला गया कि ये खोज किया। तो हेनरी नेविगेटर क्या किया कि जितने भी मछुआरे थे या जहाज थे, उनके जो चलाने वाले थे उनको खोजा,
और बोला कि बाबूजी क्या करना है आपको, उधर देखिए उस्मानिया पे बहुत ज्यादा खतरा है और हम लोग के व्यापारी हैं जो नहीं फायदा उठा रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि आप एक रास्ता ढूंढिए, हम आपको क्या देंगे, हम आपको बड़े बड़े जहाज देंगे, हम आपको कंपास देंगे, दिशा सूचक देंगे। अब कंपास बताओ, हम तुमको पढ़ाए थे कि जो यूरोप था वो कंपास कहाँ से सीखा था, दिशा सूचक पढ़ते हो, हम मेरे को तो बोलते हो पर खुद पढ़ रहे हो, पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे बताओ। जब हम पढ़ाए थे, जब वो आए थे तो हम लोग क्या दिए अरब को, अरब हम लोग को क्या दिए, फिर अरब से दिशा सूचक गया यूरोप। अब देखो हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर क्या किए, दो ये दो प्रयास इनसे हुआ था। अब देखो दो प्रयास, कौन गाड़ी कौन चलाता है यार, गाड़ी चला रहे हो प्रयास कर रहे हो, समझ में नहीं आता। ऐसे ही फिगर बनाओगे ना बीपीएससी और तुम्हारे पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, फिगर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अब देखो प्रथम प्रयास, अब दिए पैसा दिए सब कुछ दिए, तो प्रथम बोलेगा क्वेश्चन कि प्रथम प्रयास किसने किया खोजने की, समुद्री मार्ग खोजने की प्रथम प्रयास, तो ये प्रथम प्रयास 1487 ईस्वी में किया गया, 1487। भाई जी समझ में आ रहा है ना, हाँ सब बोलो सब बोलो, नाम क्या था प्रथम प्रयास, बार्थो लोमियो, वार्थोलोम डियाज बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, प्रथम प्रयास यही किया बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। कहाँ तक ये पहुंचा था, सुपर मासान क्रीप कैप केप ऑफ ऑफ गुड होप। गुड होप। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज जब यहाँ से चला, यहाँ से चला तो जहाज से चलते 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 यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक, इसका नाम क्या है, केप गुड ऑफ होप। गुड होप, यहीं तक वो पहुंच पाया। और यहाँ के बाद वो क्या किया, लौट गया, यहाँ के बाद वो वापस अपने वतन की ओर लौट गया, जाकर बोला पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर को कि सर हम इंडिया नहीं पहुंच पाए, हम अफ्रीका के अंतिम छोर पर पहुंच के आए, ठीक है आ जाओ वापस। दूसरा प्रयास, द्वितीय सेकेंड प्रयास, दूसरा प्रयास 20 मई, 20 मई, 20 मई 1498 ईस्वी को किया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा, बास्को डी गामा, दूसरा प्रयास बास्को डिगामा द्वारा किया गया, बास्को डिगामा द्वारा किया गया, बास्को डिगामा द्वारा किया गया, बास्को डिगामा द्वारा दूसरा प्रयास किया गया, तो वो केप ऑफ गुड होते हुए, वही रास्ता होते हुए भारत के कालीकट पहुंचे, लिख रहे हो ना, भारत के कालीकट पहुंचे। अब इससे जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो देखो, वो देखो, इससे जो इम्पोर्टेंट आपका सवाल बनता है वो देखो, वो ऐसे करके नहीं, जगह नहीं था इसलिए किए हैं। इसके सहायक, पहला बात इसके सहायक और दूसरा बात स्वागत, तो इसके बोलेगा कि वास्को डी गामा को भारत के कालीकट पहुंचने में सहायता किसने प्रदान किया, सहायता किसने प्रदान अब्दुल की, हमीद तो गुजराती यात्री
अहमद मजीदी ना, अहमद मजीद, अहमद मजीदी, ठीक है, अहमद मजीदी इसका सहायता किए केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचने में अब्दुल मजीदी नामक व्यक्ति व्यक्ति जो किया क्या है गुजराती यात्री था, वो सहायता किया कि सर जी चलिए हम आपको, जैसे कि कहीं जाना होता है बलियाती तुम लोग को, तो गाड़ी धनमना जाता है तो पूछते हो ना गाड़ी रोक के कि सर आगे क्या जाए, तो बोलता है ना कि अच्छा यहाँ से आगे दाहिना जाओगे तो वहाँ जनरेटर लगा रहेगा, वहीं पे आपका ब्याह हो रहा है, तो वही बात है। फिर दूसरा, जब वहाँ पहुँच गया तो कालीकट के शासक थे, कालीकट के शासक जमोरीन, जमोरीन द्वारा स्वागत किया गया। भव्य जैसे स्वागत। जैसे आपका संधि मिलन होता है, संधि मिलन होता है, डिस्कनेक्ट हो गया नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, ग्रुप में, एक लड़की मैसेज कर रही है कि डिस्कनेक्ट हो गया। और यस सर, दिव्या का हुआ है नहीं, सर? मैं हम तो यही है सब, मेरा ही ना कॉपी ले रहे हो, कोई लड़की दूसरी है। अरे लेफ्ट हुई थी, अभी तो हमको मालूम चला था। हाँ रिज्वाइन फील किए ना, हमने एक कॉपी अब ले जाते। देखो, अब देखो, अब देखो, पहले किसी भी शादी में एक होता है अगुआ, अगुआ जानते हो, अगुआ, यस तो वही अगुआ है अहमद मजीदी, ऐसे बताएंगे तुम्हें नाम पूरा याद हो जाएगा, ऐसे कहानी के जैसा पढ़ोगे तो। यही अगुआ है अहमद मजीदी, जब ये आया कालीकट वास्को डिगामा पहुंचे तो ये देखा कि अच्छा आपको कहाँ जाना है, तो बोला कि भारत जाना है। अजब बात, हम भारत लेके चलते हैं भैया के बाद। यह अफजल मजीदी केप ऑफ गुड होप से इसको भारत लेके गया। अब बलियाती पहुंच गया अपने घर, तो कालीकट के शासक जमोरिन पूरा भव्य स्वागत पूरा हुआ, फूल माला पहलाया गया, भव्य स्वागत हुआ। तो ऐसे करके ज्वाला, अच्छा हाँ एक लड़की है। अब देखो यहाँ तक समझ गए ना, हाँ सर, अब आगे बढ़े। यस। अब देखो, अब वास्को डिगामा जी आए, वास्को डिगामा जी आए, तो ये इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वास्को डिगामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। नहीं एक चीज और पढ़ लो, एक अगला टॉपिक लिखो, पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। अच्छा आज समझ रहे हो ना, उन्नीस हाँ नहीं समझे ना, तो फिर बाद में मैसेज व्हाट्सएप पे करते हो, यहाँ बोलने में लाज बढ़ता है। अब देखो पुर्तगाली शासन का विस्तार की बात हम लोग करें तो इसकी कंपनी का क्या नाम था बताओ कोई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। बाद में चेंज हुआ। एस्टाडो द इंडिया कब बना, 1400 98 में ही बना है। अंठानवे में। प्रथम केंद्र कहाँ बनाया, प्रथम कोटी कोठी, कोचिन प्रथम फैक्ट्री। अब कोचिन हम प्रथम फैक्ट्री बोले होंगे तो तुम लोग सोच लिया होगा, सभी के मन में ये बात आ गया होगा कि मशीन वशीन लगाया होगा वो नहीं फैक्ट्री में, सर, बताओ मशीन लगाया होगा, नहीं भारी भरकम मशीन लगाया होगा, सामान उसका उपजा। मतलब नहीं था। कोठी कहने का मतलब हुआ गोडाउन, गोडाउन, गोडाउन कहने का मतलब हुआ कि जहां पर वो इंडिया में व्यापार करता था और सारा सामान खरीद कर उस गोडाउन में वो रखता था, फिर वहां से वो अपने यूरोप लेके जाता था। तो प्रथम फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित किया। अब देखिए द्वितीय केंद्र आपसे नहीं पूछेगा, आप कोई इतने बड़े एग्जाम की तैयारी बीपीएससी लेवल की कर नहीं रहे हो, हम आपको यहाँ तक एसएससी का सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। सर कोचिंग कोचिंग लिखे हैं मतलब,
प्रथम कोचीन लिखा फैक्ट्री है में। भाई, कोचीन। प्रथम गवर्नर, अब पुर्तगाली जब आए, पुर्तगाली कंपनी आई, तो प्रथम गवर्नर कौन आए? तो इनका लिखना, इनका लिखना सर प्रथम गवर्नर पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर लिखना फ्रांसिको द अल्मीडा, लिखो फ्रांसिको दालमीरा। कौन भाई, कौन है, किसका भाई कौन है? ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा लिख, यहां तक लिख लिए ना सारे के सारे, अब देखो। पीडीएफ भेज दीजिएगा, नहीं लिख पाए। ठीक, अब देखो पुर्तगाल के, जब पुर्तगाल, पुर्तगाली कंपनी भारत में आई, पुर्तगाली कंपनी भारत में आई सर जी, तो पुर्तगाली कंपनी भारत में आई तो उस समय के शासक कौन थे, पुर्तगाल के शासक? जमोरिन अच्छा जमोरिन तो भारत, पुर्तगाल पुर्तगाल के थे सर। मैनुअल प्रथम, मैनुअल जो आज सुबह 6 बजे से क्लास कर रहे हो ना, उसको एक एक चीज समझ में आ रहा है, एक एक चीज कैसे क्या हो रहा है। तुम लोग उठे सर नहीं, हम तो तुम्हारी गलती नहीं है, सही बात है, गलती मेरी थी, पर लाइट का तुम लोग के भी तरफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा होगा। सर 3 बजे तो सोई हेनरी द नेविगेटर कौन थे, पुर्तगाली राजकुमार? हेनरी द नेविगेटर। बताए थे ना अभी, तो ये लिखो, हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर कि जी सर आप तो बता दिए, आप तो बता दिए, पर जब भारत में पुर्तगाली आई तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, कोई बताएगा कि जब भारत में क्या चल रहा था? जहांगीर का शासन काल था, अकबर 1498 में, का। हाँ सर, चौदह नहीं सौ तो अंठानवे में वो नहीं, 1498 तो दिल्ली सल्तनत रहा होगा, हाँ सही बात है, यही बात सुनना चाह रहे लोधी हैं। चल रहा है। जब 1498 में दिल्ली, तो भारत की क्या स्थिति थी, तो बोलेगा कि दिल्ली में किस-किस, जब भारत में पुर्तगाली आए उस समय भारत में किस सल्तनत केंद्र में कौन सा सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत देखो एक दूसरे से सबको को रिलेट करो, सोचो, मंथन करो। और क्या था जहां, वहां नीचे में क्या था, विजयनगर साम्राज्य नीचे विजय शंकर साम्राज्य विजयनगर था। साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, इस समय दिल्ली सल्तनत के समय किसका शासन काल था, तो बोलेगा जब पुर्तगाली आया तो दिल्ली सल्तनत में किसका सिकंदर शासन, लोधी का था। बिल्कुल सही, सिकंदर लोधी। ये भाई भाई तुम पढ़ोगे भी नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया, टेंशन काहे ले, तुम अच्छा जवाब देते हो, सिकंदर लोधी। ठीक सर है, ये सब पहले से पढ़े हुए हैं ना सब। और विजयनगर में किसका था, तो नरसिंह राव द्वितीय, नरसिंह, तो नरसिंह राव द्वितीय। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं बास्को डिगामा जी के बारे में, बास्को डिगामा। ठीक है, पढ़ो बास्को डिगामा, लिखो बास्को डिगामा। देखो बास्को डिगामा, बास्को डिगामा के बारे में पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखना है। हेलो, यस सर, हाँ सर आ रहा 20 मई है। 14 साल चौदह सौ रुपया, सब लोग समझ रहे हो ना, यस सर समझ रहे हैं। जो लेट से वो पहुंचा होगा ना, जो नहीं कभी पढ़ा होगा उसके ऊपर से जाएगा, कालीकट की यस कथा। सर अब कालीकट ही भाई जी पहुंच गए, अब कालीकट पहुंचे तो इनसे सवाल भाई जी से क्या क्या बनेगा,
तो इनसे सवाल देखो क्या क्या बनेगा। तेरा हो गया यार, ठीक है। अब ये पहुंच गए तो इनसे सवाल जो बनेगा वो हम लोग करते हैं। थोड़ा सा हम आदत खराब है, फिगर के चक्कर में रहता है, तो बोर तुम लोग मत होना। हाँ सर, कोई बात नहीं है, अच्छा से एक्सप्लेन तो हो जाएगा ना इससे। और जहाज देखो तो पहले जहाज का नाम क्या था जी? जहाज से आए ना वास्को डिगामा जी, वो था साओ ग्रेवियल। 8 बजे तक पढ़ोगे ना? पढ़ाइए ना। 10 मिनट तक साओ, देखो जहां तक खिंचाएगा खींचेंगे, साओ ग्रेबियल, ठीक है। अब रास्ता का क्या नाम था बताओ? सिर उठ था और क्या, केप ठीक है। ऑफ गुड हो, केप अब इसकी सहायता क्या क्या गुजराती हो अब्दुल गुजराती मनी। गुजराती पथ प्रदर्शक उसको बोलते हैं, अब्दुल मनी मजीदी। इसका शुरू से वीडियो देखना तो लेट आए हो, ठीक है। कालीकट शासक उस समय कौन था? जमोरी नाम कैसा है, जहां पे ये पहुंचे ना उसका शासक का उस समय था जमोरिन, ठीक है। अब देखो ये जब आया ना, ये आया तो हुआ क्या कि इसको काली मिर्च के व्यापार से, गोलकी जिसको कहते हो, गोलका, काली मिर्च के व्यापार से बोलेगा कितना गुना लाभ प्राप्त हुआ, तो 60 60 60 गुना। गुना मुनाफा कमाया। तो देख कर ही लगा कि बाप रे बाप, ये क्या गौर करो। तो सब लोग आए लगे, सब लोग आने लगे। फिर 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद भारत जब दूसरी बार आया, दूसरी बार दोबारा 1502 में भारत दूसरी बार आया, अब पंद्रह मर सौ गया चौबीस में तीसरी बार भारत आया, और 24 में ही केरल में ही इसका जय हिंद जय भारत हो गया, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं हम लोग, लिखो ये लिख लिए, ऐसे ऐसे फिगर बना के लिखते हो ना, सर। आगे बढ़े। हाँ प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, लिखो प्रमुख। गवर्नर तो इसमें है पहला पहला जो है हमारा वो है अलमेडा, अलमेडा फ्रांस, सर क्या लिखवाया फ्रांसिसो है, द फ्रांसिको डी अल्मेडा। अल्मेडा, अभी तो लिखवाए हैं। अल्मेडा इतना लंबा नाम कौन है, भाई ये सब नाम कथी कथी रख लेता है। देखो तीन वर्ग जमोरी नहीं, अल्मेडा, दूसरा है अल्फांसो आलू बकरी डी अलुबर्क,
अल्बुकर्क, और तीसरा है निन्नो डी कुनहा। अब देखो सर मत बोलना कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये नाम है आदमी का। यस अब आओ अल्फांसिसो डी अल्फ्रांसो डी की बात क्या है? अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा। इसके बारे में देखो, इसके बारे में देखो, ये जो है ये था प्रथम गवर्नर। लिखो प्रथम गवर्नर। 1505 हाँ 1505 में आया। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट, नीले जल या शांत जल नीति की नीति अपनाई। अच्छा आप देखो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंद महासागर पर कब्जा। हाँ आप देखो ये क्या था कि ये क्या था, जैसे कि इधर से व्यापार होता था इस रास्ते से, इस रास्ते से, तो क्या ये क्या किया अल्फांसो डी अल्मेडा, ये बोला एक नीति बनाया कि ये जितना इलाका है, जिस हिंद इलाका, महासागर वाला ये जो इलाका है, इस इलाके पे जो आधिपत्य होगा, आधिपत्य कहने का मतलब कि जो पावर होगा, जो कहने का मतलब जो क्या अधिकार, अधिकार, जो अधिकार होगा वो पुर्तगाली कंपनी का होगा, पुर्तगालियों का होगा, पुर्तगालियों का होगा। तो ये यही है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, केप ऑफ गुड होप यही है आपका, यहाँ पर बता दिए हैं कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी है जो केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, आ जाओ अपने घर की ओर, आ जाओ। कहाँ गया, एक जो सारा का सारा सिस्टम किए हुए हैं, यस आ जाओ आ जाओ। अगला इससे इतना ही सवाल बनेगा, अगला है द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अलिवर क्या था आपका, ये था द्वितीय, दूसरा द्वितीय गवर्नर, द्वितीय नौ गवर्नर। ठीक है, असर ये लड़ाई भी करता है। और ये सही बात है, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। मेरे को लगता है ना तुम्हारा जो क्लास 6 से 7 है ना, वो है 6 से 7 ले लिया साइंस वाला, और नहीं इससे सर, हमारा हम लोगों का टाइम अच्छा है सर। 6 से 7 सुबह में या शाम को? सुबह में साइंस वाला था, सुबह में 6 से 7। हाँ तो हम लोग का शाम को है ना। हाँ सही तो है। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा से क्या इम्पोर्टेंट है, देखो ये काला कलर, काला कलर, इससे इम्पोर्टेंट है गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, अब आ जाओ, आज आ गया जाओ, इससे इतना आपका कहानी हुआ खत्म। अब देखो पुर्तगाल का योगदान, योगदान योगदान आया तो योगदान देगा ना, तो आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिए। यस अरे सब बाकी तो 3 लोग बोल रहा है भाई, सत्यम भाई बोलते हैं, पांडे जी बोलते हैं, बाकी सब चुप कहा है। जी सर। देखो जी सर बोला, पसंद आया मेरे को।
बोलो 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 लिखो सर, एक सेकेंड सर, स्क्रीनशॉट करना है। हाँ तो पुर्त का आज सब क्लास में रह करना, ये अपना अपना ईमेल आईडी ऐड करवा लेना, जो रेगुलर आता है वो करवा लेना, और जो यदा कदा आता है, ईद का चांद बनता है, उसको छोड़ दो। ठीक है, आप देखो, प्रथम प्रथम लिखो, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगाली का श्रेय दिया जाता है, कहाँ लाया? गोवा में। ठीक है, कब? 1556 ईस्वी में ये हुआ। दूसरा दिया, दूसरा क्या दिया सर? दूसरा फसल, पपीते का। फसल में सबसे बड़ा तंबाकू पहले दिया, फिर क्या दिया? लाल मिर्च, नहीं लाल मिर्च तो यही चीज था, पर लाल मिर्च भी हुआ, काली मिर्च, पपीता लाल मिर्च। अब भारत का उपजाता था काली मिर्च, इसमें कंफ्यूज मत करना। पपीता, भालू, ये तुम्हारा आलू जो खाते हो, कुछ सभी चीज में आलू को चिपका देते हो, पहले आलू नहीं था। मक्का, टमाटर, ठीक है, कहवा, अमरूद, क्या लिखी है सर? कहा कहवा, कहवा आपके लिए कहा, अन्नानास, अल्फांसो आम, ये सब लेकर आए। तीसरा क्या दिए? योगदान दिए, जहाज निर्माण कला, ठीक है। अरे लिख रहे हो तुम लोग, ये सर लिख रहे ठीक हैं है। और चौथा क्या ले आए, बता सकता है कोई? चौथा क्या लाया होगा? धर्म का प्रसार। ईसाई धर्म, जो प्रथम चर्च आपका है, प्रथम चर्च आपका है, 1510 में भाया, प्रथम चर्च 1510 ईस्वी में बना, कौन है? सेंट थॉमस केरल, सेंट थॉमस केरल, ठीक है। प्रथम पादरी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रथम चर्च ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और प्रथम चर्च लेकर आए, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे डच, ठीक है। डच, डच पढ़ोगे ना? सर इसे क्वेश्चन आएगा डच से? वही हाँ तो, डच डेनिस फ्रांसीसी से। तो डायरेक्ट अंग्रेज पर आ जाए। हाँ सर, इंग्लिश और फ्रांस पढ़ाइए ना। आपको तो लगे सर हम लोग नहीं बता इंग्लैंड सकते, और इंग्लैंड और फ्रांस इससे नहीं आया क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट हो वो पढ़ा दीजिए। सर आपका अच्छा, ये तो बता दिए थे कि कहाँ कहाँ कोठी स्थापना किया, क्या हाँ थी वो वाला बता दिए ना, कि फैक्ट्री ब्रिटिश इंडिया कंपनी ये वाला, देखिए ना सर। हाँ हाँ, वो जो फिगर के साथ बताए थे ये वाला, सर बता दिए थे, हम इसमें बताए थे ना अभी, है नहीं थे, ना? पता नहीं बताए होंगे। अरे सर चित्र, चित्र के साथ बताए थे भारत के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम देख लेंगे, पीडीएफ पीडीएफ दीजिएगा ना, में समझ जाएंगे हम। पीडीएफ में चित्र नहीं आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेंगे। आप देखो, आ जाओ, अंग्रेज पर हो तो अंग्रेज पढ़ते हैं डायरेक्ट, क्या? यस सर।
अंग्रेज अंग्रेज पर हो, अंग्रेज किसको बोलते हैं? अंग्रेज सर जो यूके से बिलोंग करता है, इंग्लैंड की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी सर यूके की, इंग्लैंड में तो कुछ ही देश है, यूके में 5 देश है, वो सबको इंग्लिश ही बोलते हैं। हाँ तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इंग्लैंड की कंपनी, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन जो है। यस सर, ब्रिटेन और यूके दोनों मतलब एक ही है, लेकिन ये यूके थोड़ा एक्सटेंडेड है, उसमें 2-4 कंट्री और आ जाता है। वही है, तो वही समय था जो था, इंग्लैंड की कंपनी थी। यस सर, कौन आए तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1599 में सर जॉन मिडिल हॉल कुछ करके आया था। हाँ, जॉन मिल्डेन हॉफ भारत आया। तो बोले प्रथम अंग्रेज कौन आया, तो जॉन मिल्डेन हॉफ भारत आए, भारत आए, ठीक है, भारत आए। यस सर, अब देखो स्थापना कब हुआ सर, कैसी का ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, 1600 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 में आए। उस समय यस सर, इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड सर स्थापना 1600 में हुआ है, लेकिन इंडिया में लेट से आया था 1608 में। यस सर, 1608 में वो समझते हैं, वो चार्टर ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ वंश के, महारानी एलिजाबेथ। उस समय महारानी कौन थी उस समय की? एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फर्स्ट लिखिएगा। और दूसरा कौन था इधर देखो, भारत में उस समय किसका शासन चल रहा था? उस समय तो अकबर का, लेकिन उसके बाद जहांगीर का आ गया था, अकबर 605 के बाद, 1605। तो जब ये आया तो उस समय अकबर था, ठीक है। प्रथम गवर्नर स्मिथ सर, क्या चीज का गवर्नर? प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का, थॉमस स्मिथ। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट आपका बन रहा है, अब देखो 1600 ईस्वी में क्या की महारानी एलिजाबेथ। 1600 ईस्वी में जब आया तो ये व्यापारिक एकाधिकार को ये 15 सालों का, 15 वर्षों का। तो यहाँ पे लिखो इसके नीचे कि 15 वर्षों का व्यापारिक, देखो ये सब हम समझा दिए हैं सारा का सारा चीज कुछ देर पहले ही, व्यापारिक एकाधिकार दिया, समझा दिए है ना? हाँ सर। क्या कैसे हुआ शुरू में ही समझाए, हाँ चार्टर प्रदान किया। ये सर एक चार्टर। अब देखो फिर राजा अगला जो आता है, राजा जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए कर देता है व्यापारिक एकाधिकार को, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। बोलेगा कि अनिश्चित 1609 में भाई। एलिजाबेथ की मृत्यु सर कब हुआ? एलिजाबेथ पता नहीं भाई, 1600 में ये एलिजाबेथ दी, एलिजाबेथ की मृत्यु के बारे में नहीं है मालूम। 1603-4 तो 1609, ये तो कन्फर्म है 1609 लिखे हैं। तो देखो क्या हुआ कि एलिजाबेथ व्यापारिक अंग्रेजों को बोला कि भारत में आपको 15 वर्षों तक व्यापार करना है, ठीक है। फिर आया राजा जेम्स प्रथम, वो इसके व्यापार को अनिश्चित, 2 मिनट रुकना मैं जस्ट आता हूँ, तब तक आपस में बात करो, लड़ाई मत करना,
अभी कोई लड़ाई करने वाला है ही नहीं। हाँ तो ये थी रीजनिंग क्लास थोड़ा ही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सोलर सर जो है जिस जहाँ राजा जेम्स वन मतलब एक बार वो जेम्स प्रथम अनलिमिटेड टाइम के लिए मतलब अनिश्चित काल। सोलर सौर कितना? सोलह है, उसके बाद सोलह कितना? यार मॉडर्न खत्म होने के बाद यार सर से एकदम पूरा सब रिक्वेस्ट करना इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है सर, तुम मान भी गए हुए पांडे भाई क्या जी कहते। अरे यार सब यार बाद में धोखा दे देगा यार सब। अरे कैसे धोखा दे देगा, हम लोग है ना। बाद में कहेगा कि नहीं सर पॉलिटी स्टार्ट कीजिए। अरे वो तो पढ़े हुए है, इकोनॉमिक्स तो हमें थोड़ी ना पढ़े हुए है। अरे मॉडर्न इंडिया खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन। हाँ सब सुन रहा है ना। अगर अगर दो दो दिन पढ़ाएंगे, दो दो घंटा पढ़ाएंगे तब तो इजी खत्म हो जाएगा 3 दिन में, लेकिन दो दो घंटा पढ़ाए तो ना। अरे सब सुन रहा है कि नहीं? सब सुन रहा है। हाँ तो सर से बोला इकोनॉमी के लिए दिन क्लासे नहीं करती है। अरे शादी का माहौल है सर अभी। सर हम लोग भी यहाँ आए अभी कुछ टाइम बाद से हम भी रेगुलर हो जाएंगे। आप देखो, आप देखते हैं कि भारत में व्यापार कैसे कैसे किए, ठीक है? भारत में व्यापार का क्या क्या इनका सिस्टम रहा वो हम पढ़ते हैं। प्रथम का बना लिखा दिया ना, आ जाओ। हाँ चला गया यार, पीछे भी नहीं होगा। एक मिनट सर, पॉलिटी मैप लीजिए सर। क्या पॉलिटी मैप लीजिए सर, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो ठीक है भाई, उसमें और ये हो जाएगा। उसमें लिखने में नहीं बनता है ना। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर दिखाई दे रहा है। आप देखो पेन का यूज करते हैं ये वाला। देखो यहाँ पे है सूरत। यस सर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्री थी 1613 में बनाया गया, पर प्रयास किया गया था 1608 में, 1613 में सूरत। तो बोलेगा कि ट्राई कब किया गया? यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बनाने का ट्राई किया गया 1608 ईस्वी में। 13 में बनाया गया सूरत को? 1613 में बनाया गया, 13 में बनाया, 1608 में ट्राई किया यहाँ पे बनाने का व्यापारिक कोठी, व्यापारिक फैक्ट्री। अब फैक्ट्री कहने का मतलब हम आपको पहले ही बता दिए कि ये मत समझना कि फैक्ट्री, ये मतलब कि गोदाउन एक तरीके से होता, उसमें कोई मशीन वगैरह नहीं रहता था। तो 1613 में सूरत में बना। और उसके साथ फिर क्या हुआ, यहाँ पर आ जाओ, आंध्र प्रदेश के आसपास आ जाओगे, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास आओगे तो यहाँ पर प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में। लिखो प्रथम व्यापारिक कोठी, फिगर बनाओ प्रथम। सोलह सौ आठ में ना सर, 1611 में बनकर तैयार हो गया सर। तभी वाले फिगर में लिख सकते हैं ना, वो आपका पूरा था और जितने भी यूरोपियन कंपनी आई उस समय का, ये अभी है ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखो प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कब बना आपका? 1611 में ना।
आठ में शुरू हुआ, 11 में बना, ये हुआ प्रथम। ठीक है, अब आगे आ जाओ। उड़ीसा में 1633 में बनाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोलकाता में फोर्ट विलियम बना, कोलकाता में फोर्ट विलियम बना, वो बना आपका 1698 में। फोर्ट विलियम बना 1698 में। ठीक है, यहां पर है बंबई, यहां जो बनाया बंबई में बनाया 1600, बंबई लिखो बंबई 1668। ठीक है, बंबई को 1668 में बने। अरे बंबई को नहीं बनाया, बंबई में व्यापारी कोठी बनाया। यहां पर आ जाओ, यहां पर आपका क्या है मद्रास, दूर करके इसलिए लिख रहे मद्रास। इसमें यहां बनाया मद्रास में इसका क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो बोलेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा तो मद्रास में बनाया। कैसे भी बना लो, फिगर बना लो, समझ में आएगा। बस इतना आपका ये व्यापार, ये लोग काम किए। ठीक है, इतना काम किए। अब देखो, ये लिख लिए, ये सारा का सारा लिख लिए। यस सर। हाँ सर। सब लोग जी सर। चार्ज कर ले सर, इसको हटाया जाए फिर। वो लिख लिए सारा का सारा। यस सर। लिखो उत्तर भारत में उस समय क्या क्या सिस्टम था, और उत्तर भारत, उत्तर भारत में जब, अभी तो अंग्रेज दक्षिण भारत में था ना, कालीकट साइड में था। अभी हम आपको बताए कालीकट के साइड आया, फैक्ट्री स्थापित किया। उत्तर भारत में क्या चल रहा था, उत्तर भारत में कैसे आया और कौन सबसे पहले आया, तो लिखो उत्तर भारत। तो जब अंग्रेज उत्तर भारत में आया, उत्तर भारत कहने का मतलब ना उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ये वाला इलाका, ये सब दिल्ली वाला इलाका, ये सब इलाका, ये सब हॉकिंस, ये सब इलाका जो है उत्तर भारत वाला। ठीक है, आ जाओ। तो उत्तर भारत में उस समय क्या चल रहा था, जब अंग्रेज आया तो उत्तर भारत में क्या था बताओ। जहांगीर का शासन काल था, मुगल काल था, मुगल था, जहांगीर का शासन। तो पहला लिखो जहांगीर। इससे क्या क्या ये करवा, ये अंग्रेजों को क्या क्या सहूलियत दिया, इसके लिखो, लिखते जाओ। लिखोगे नहीं तो बहुत पछताओ, कल को अपना ही नोट्स देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। 1605 से लेकर 1625 कोई पीडीएफ देख के समझ लेगा तो कहीं नहीं समझेगा, फिगर कहाँ से आएगा पीडीएफ में। तो सबसे पहले इसके शासनकाल में कौन पहुंचा ये बताओ। पहले हॉकिंस आया, हाँ। कैप्टन विलियम हॉकिंस। पहले कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया, ठीक है। तो ये क्या किया, सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन लिया, परमिशन ले लिया। ये जहांगीर को बहुत खुश कर दिया, तुर्की में संवाद किया था और बहुत अच्छे से इसका बिहेवियर था। तो ये सूरत में स्थित फैक्ट्री खोला, तो इसको ऐसे लिखो, सूरत में स्थित फैक्ट्री। पहले नहीं खोलने दिया था ना, नहीं सर, इसके बाद मसूली पट्टनम में खुलेगा। हाँ, तो 1613
में ये 1613 में सूरत में फैक्ट्री को स्थापित, तो ये जहांगीर ऑर्डर किया था। तो बोलेगा कि सूरत में स्थित फैक्ट्री को खोलने का आदेश किसने दिया, तो जहांगीर। ठीक है, अब देखो तो ये सूरत में जो फैक्ट्री है, तो ये बोलेगा, इससे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछेगा सूरत में स्थित फैक्ट्री के बारे में, तो कि बोलेगा कि प्रथम अस्थाई फैक्ट्री, प्रथम अस्थाई फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की फैक्ट्री। प्रथम फैक्ट्री इसका कौन है ये बताओ तो। अब बताओ बताओ कि अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था। हेलो हेलो यस सर। जी सर, अंग्रेज कब लगाया था प्रथम फैक्ट्री। सर 1611 में। कहाँ? अभी तो मैं बताया था ना, मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश में। बहुत बढ़िया। आंध्र, मेरा नेटवर्क कनेक्शन टूट रहा है या आप लोग का? सर पता नहीं किसका टूट रहा है, किसी दूसरे का आवाज कम आया था। अब आ जाओ। मेरा आवाज कम। हाँ पांडे भाई का नेटवर्क कनेक्शन जा रहा है। अब आ जाओ। फिर कौन आया? फिर इसके बाद एक और आया, एक और आया 1615 ईस्वी, जहांगीर के ही दरबार थॉमस रॉय। जहांगीर के ही दरबार में आया सर थॉमस रॉय। लिखो थॉमस रॉय। ठीक है, ये किसका राजदूत था, तो इसके नीचे लिखो जेम्स वॉन का। राजा जेम्स का राजदूत। राजा जेम्स का क्या था, ये राजदूत था, एम्बेसडर था। ये इससे इंपॉर्टेंट, ये इसके नीचे लिखो मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति ले लिया। देखो फिर से तुम लोग को नहीं सम, देखो किसी को ये चीज हाँ या ना बोलो, ये जो हम इतना इतना देर लिखे, किसी को बोरिंग जैसा लगा या किसी को ना समझ में आया हो बताओ। सर हम समझाते हैं फिर, एक चीज हुआ क्या असल में। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था तो सर। देखो अंग्रेज जब आया ना, तो अंग्रेज जब आया, अरे समझाएं फिर से। नो सर समझ में आ गया, चलिए ना आगे। नहीं सर फिर से नहीं। तो सब समझ गया। अब देखो सर दूसरा से ही पूछ लीजिए, पता नहीं अगर बाद में फिर बोले कि यही तो दूसरा ही सर, दूसरा कोई बोली बताइए, दूसरा बोल ही नहीं रहा है, है या नहीं है। सर फिर से समझाइए। हो गया सर। कोई आया फिर से समझाने वाला, तब इतना देर के बाद बोलिएगा कि फिर से समझाइए। सोच रहे थे ये लोग, सोच कर बोलिएगा तो कैसे थोड़े काम करता है। ठीक है हम बाद में समझा देंगे। हो गया सर। लिखो 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 आ जाओ अगला। लिखो औरंगजेब। सर बैक कीजिए। करते हैं उसके पास देखता है फिर बोलता है। औरंगजेब हो गया सर। 1668 में कौन सी लड़ाई हुई थी बताओ। कब? 1668 में अंग्रेज बनाम मुगल, बंडीवास कौन सा हुआ था? औरंगजेब
इसका टाइम पीरियड जो था 1658 से लेकर 1700, ये औरंगजेब इस काल पीरियड में मुगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस काल पीरियड में अंग्रेजों के बारे में। तो 1651 में, 1651 में अंग्रेज क्या किया, 1651 आया तो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री लगाई, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री किसके, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। नाम भी क्या था उसका, हुगली। अब किसके मतलब किसके, कौन इसको ऑर्डर दिया लगाने का, तो उस समय बंगाल का शासक कौन था, शाह सूजा। हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज भारत आए, और अब पढ़ रहे हैं कि भारत में आए तो व्यापारी कोठी, जैसे हम आपको फर्स्ट पेज नंबर में बताए, लेट से आए होंगे, ये विस्तार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो हम पढ़ लिए, अब ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कैसे कैसे हो रहा था, कहाँ फैक्ट्री लगा रहे थे, किससे ऑर्डर लिए, वो सारा का सारा, ये सब देखो, ये सब सारा का सारा हम बताए हुए हैं, ये सब सब कुछ बताए हुए हैं। थोड़ा सा लेट तुम लोग आए होगे तो नहीं समझो तो अलग बात है, ये सारा का सारा हम समझा दिए। तो शाह सूजा के द्वारा, ठीक है, ये क्या बोला कि 3000 वार्षिक पैसा देकर, वार्षिक पैसे देकर, 3000 वार्षिक पैसे देकर व्यापारिक अनुमति दे दिया जाए। 1600 एक सर्च करो ना, 1668 में एक युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ, अंग्रेज बनाम मुगल। जी भाई, फिर पता नहीं उस बारे में, वेदरा का युद्ध था, वेदरा का युद्ध था ना सर, कुछ आइडिया नहीं है शायद सर, जितना आप सर आइडिया नहीं है तो आइडिया ले आते हैं। एंग्लो मुगल बार, एंग्लो मुगल बार ही इसका नाम से जाना चाहे, प्लस एंग्लो मुगल बार, एंग्लो मुगल बार विकिपीडिया के हिसाब से। तो यही एक 1668 में युद्ध हुआ, 1668 वही तो बात कर रहे थे ना, नाम नहीं था, 1668 में एक युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज बनाम मुगल, अंग्रेज बनाम मुगल, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की हार हुई, अंग्रेजों की हार हुई। तो 1668 में किसके बीच में युद्ध हुआ, तो अंग्रेज बनाम मुगल, अंग्रेजों की हार हुई। तो औरंगजेब क्या किया, अंग्रेजों से औरंगजेब ने, जब ये युद्ध हुआ तो औरंगजेब ने अंग्रेजों से, देखो शुरू का एक घंटा बहुत जोश में पढ़ाते हैं, और जैसे जैसे एक डेढ़ घंटा होता है ना, दो घंटा हो रहा है, होने जा रहा है, से हुगली और मसूलीपट्टनम छीन लिया, वहां व्यापार करता था ना, तो वहां छीन लिया। तो बोलेगा कि औरंगजेब अंग्रेजों से हुगली और मसूलीपट्टनम कब छीना, तो 1668। उसके बाद अंग्रेज माफी मांगी तो उनको लौटाया गया। 1698 की बात अब है, हम व्यापारिक विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों को कैसे कैसे अपने व्यापार को विस्तार किया। तो सबसे पहले उसमें ये पढ़े, व्यापारिक विस्तार में कि कैप्टन हॉकिंस सूरत में स्थित फैक्ट्री को स्थापित किया, फिर सर थॉमस रो मुगल साम्राज्य, ये किसके, जहांगीर के दरबार में आया और मुगल साम्राज्य जितना बड़ा था उसमें व्यापार की अनुमति मांगी, तो फिर और यही उसके बाद औरंगजेब आया, तो 1651 ईस्वी में बंगाल में एक फैक्ट्री लगाया, अंग्रेज लोग फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री कहने का मतलब, वही बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत करना, फैक्ट्री कहने का मतलब कि गोडाउन, गोडाउन समझना, ये नहीं कि उसमें मशीन होता था। फिर 12%, एक सेकेंड रुक जाओ, फिर क्या हुआ, बैटरी का बड़ा हालत खराब चल रहा है, दो घंटा भी नहीं चल पा रहा है सही से, नौ बजे तक पढ़ोगे ना, नहीं 8 बजे तक रहने दो,
सर आगे बजट बना दीजिए, और सब भी तो पढ़ना रहता है। रुक जाओ चार्ज पे चढ़ाने दो इसको। शाम में लेते तो 1 घंटा लेते, अभी 2 घंटा ले लिए ना, और आज शाम में भी ले ही लेंगे। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली पर मसूली पट्टनम क्या किया, लड़ाई हुआ, कुछ कारण रहा होगा, गलत काम किया होगा तो छीन लिया। अभी हम लोग व्यापारिक विस्तार की बात कर रहे हैं अंग्रेजों के बारे में, तो एक डेट आता है 1698, लिखो 1698। इसमें क्या हुआ, बंगाल के 3 गांव, कौन कौन? बंगाल के 3 गांव कौन कौन गांव बंगाल के 1698 में? बंगाल कालीकट, कालीकट, फिर सूता नती, फिर क्या हुआ गोविंदपुर। सर कालीकट तो केरल में है ना? बंगाल में भी एक गांव है कालीकट। कालीकट, सूता नती और गोविंदपुर की जमींदारी यहाँ अंग्रेजों को दी गई। तो बोलेगा कि अंग्रेजों को कालीकट, सूता नती और गोविंदपुर की जमींदारी कब दी गई, तो 1698 में। या बोलेगा 1698 में अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस गांव की जिम्मेदारी दी गई, तो तीनों तीनों का तीनों नाम रहेगा, तो इनमें से सभी दो रहेगा तो ए या बी, एक रहेगा तो वो जो रहेगा उसको आप मार देगा। जमींदारी, जमींदारी दी गई, ठीक है। फिर यहाँ से अभी देखोगे तो जब जमींदारी मिल गई, वहां का जमीन पहले जमींदारी मिलता था, तो जब जमींदारी मिल गई तो यहाँ पर एक आता है जॉब चरनॉफ नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जॉब, अंग्रेज व्यक्ति का, जॉब चरनॉक के द्वारा, लिखो जॉब चरनॉक के द्वारा, के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। अभी भी है कलकत्ता फोर्ट विलियम, विलियम की स्थापना, विलियम, विलियम की स्थापना, ठीक है। फिर 1698 हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना। 1600 से स्टार्ट किया है फैक्ट्री स्थापना, अंग्रेजों का भारत में व्यापार को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो 1613 में किए, फिर उसके बाद 1651 में किए, 1668 में किए, अब क्या आ गए 1698 में आ गए। ये कंफ्यूज मत करना क्या हो रहा है। अंग्रेज जैसे कि तुम अभी 5 साल के हो, तो तुम पहला क्लास पढ़े हो, तो हम तुम्हारे बारे में किसी को पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं कि एक लड़का है गोविंद नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है कि पहले 2001 में जन्म लिया, तो जो 2001 में उसका क्या हुआ, बाकी सब काम हुआ, उसके बाद 2005 में किया हुआ, तो 5 वर्ष का हुआ तो वो काम किया, स्कूल में प्रथम नाम लिखवाया, फिर जब 10th पास किया 2015 में 10th पास किया, फिर 2017 में 12th किया, फिर ग्रेजुएशन में गया, फिर बीपीएससी का एग्जाम देके एसडीएम बन गया, फिर 40 लाख रुपया तिलक मांग किया तो नहीं मिला, तो फिर शादी किया, तो ये सब तुम्हारा टाइम पीरियड हम पढ़ाएंगे किसी को कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ था। वही बात है कि हम टाइम पीरियड पढ़ा रहे हैं कि अंग्रेज कैसे आया कैसे गया। जानते हो तिलक, तिलक हम बोलते हैं, तुम्हें लगता होगा कि तिलक गलत बात है, पर तुम नहीं लोगे ना, बिहार में उधर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यदि कोई डीएम बनता है, कोई डीएम बनता है आंध्र प्रदेश में, तो उसका तिलक कितना होता होगा, गौर ये करो, इमेजिन करो कि आंध्र प्रदेश में कोई डीएम बना है और उसका होम ब्रांच मिल गया है, होम कैडेट, तो उसका तिलक कितना मिलेगा, और लेगा नहीं, तुमको देगा, जबरदस्ती देगा। कौन देगा, जिसके पास देता है MLA, MP, मंत्री, इन ये सब के पास जो होता है ना, इसके बेटे बेटी से तुम्हारी शादी होगी, तुम बताओ तुम्हें तिलक कितना मिलेगा? 50 लाख से अधिक मिलेगा। कितना? 1 करोड़। 50 लाख, 8 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ तुमको तिलक दिया जाएगा सिर्फ कि तुम आप हमारे
अब ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि हाँ हम नहीं लेंगे, हम बहुत महान आदमी हैं, तो सब ये सब बात जो होगा तो इंटरव्यू के टाइम में बोलोगे, बाकी कोई बोलता नहीं है ये सब बात, ऐसे रियल लाइफ में कोई नहीं बोलता है। ज्ञान बोलने वाला तो बहुत, सत्य की राह पे चलो, झूठ मत बोलो, धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो, ये सब बात बातें हैं, बातों का क्या। चलो आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, ऐसा रहता तो कोई बेईमानी ही नहीं करता। एक 1600-1700 करोड़ करोड़ का घोटाला होता है, 1600 करोड़ 1700 करोड़, ये क्या लग रहा है। ये जो हमारा मोदी राज है, तो पहले कांग्रेस था, अब मोदी आ गया, फिर कांग्रेस आ जाएगा, तो ये जो मोदी राज है इसमें घोटाला नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा, बहुत हुआ है, बहुत हो रहा होगा, पर पता नहीं चलता है। जब मोदी जी का जाएगा तो कांग्रेस का आएगा, सबसे पहले पीएम केयर फंड, वो सब तो बात की बात है। फिर कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस के शासन काल में मोदी का पता चलेगा, मोदी के शासन काल में कौन, सब चोर है, चोर तो सब है, पर जिसका शासन रहता है उसका चोरी उस समय पता नहीं चलता है। भले कांग्रेस का तो आरटीआई लाया था, तो उसे खुद के शासन में पता चलता है क्या क्या किया है। आरटीआई तो अभी भी है भाई, इसके शासन काल, हाँ तो अभी वो मतलब उतना खुला नहीं है जितना मतलब इंडिपेंडेंट पहले था, सब अभी पीएम के अंडर में आ गया है ना, सब है। पर देखो देखो, ऊपर के लोग नहीं कर रहे, घोटाला हो रहा है, नीचे के लोग घोटाला करते हैं। एक बात बताते हैं दो मिनट की, 1.4 करोड़ मेरे नाना जी का जमीन का पैसा आया, फोर लाइन में हाईवे में जमीन जा रहा था, हिलसा टाइप, इधर घर है मेरा, नानी घर जो है हिलसा की तरफ है, 1.4 करोड़ आया, दिए कितना घूस जानते हो, नहीं तो नहीं मिलता पैसा, मेरा जमीन मेरा गया, फिर भी हम लोग घूस दिए 2 लाख, 2 लाख घूस दिया, जैसे कहीं भी सिग्नेचर की जरूरत हो तो वो सब छोटा मोटा तो देना ही पड़ेगा सर, 10 जब तक नहीं दीजिएगा कुछ नहीं होगा, एक सिग्नेचर पे 10,000, एक सिग्नेचर पे 15,000, मतलब 1.5 करोड़ जब पैसा आया ना तो 2 लाख का घूस दिया गया, तब पैसा आया, आरबीआई भेजता है पैसा, सोचो 1.5 करोड़ एक बार भेजा था। अब आ जाओ, फिर एक 1717 में जब उत्तर मुगल कालीन पर हो गए, तो 1698 के बाद 1717 में फर्कुशियर जो उत्तर मुगल कालीन शासक था, फर्कुशियर था ना, बंगाल स्वतंत्र हो जाता है, फर्कुशियर, तो ये क्या किया, एक शाही फरमान दिया, शाही फरमान, अंग्रेजों को शाही फरमान दिया। देखो भारत का पतन यहीं से स्टार्ट होता है, यही सब पगला की गलती के कारण भारत को सब लूट लूट कर लुटेरा बना दिया, एक दो ये ऐसे सीधा रहता ना, शाही फरमान क्या था जो बता रहे हैं आप, वो जो बता रहे हैं शाही फरमान क्या था, शाही फरमान था कि 3,000 वार्षिक दर पर कंपनी, 3,000 वार्षिक दर पर, 3,000 वार्षिक दर पे अंग्रेजों को पूरा बंगाल दे दिया फर्कुशियर, उत्तर मुगल कालीन का ही शासक था, 3,000 वार्षिक दर पर बंगाल दे दिया, 10,000 वार्षिक कर पर, 10,000 वार्षिक कर पर, 10,000 वार्षिक कर पर सूरत दे दिया, ठीक है, और बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के, सिक्का भी ढालता था कंपनी, तो उसको क्या किया, संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई, तो लिख दो बंबई में कंपनी द्वारा, कौन कंपनी बताओ, कंपनी कौन कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, तो कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को, तुम मेरे को कुछ पैसा दो, तुम मेरे को कैसे देख, तू गांव में अभी पट्टा होता है और क्या होता है, सिक्के को सब बटैया होता है, ये सब नाम सुने हो, नो सर, सब खेत बटैया नहीं है। देखो तो संपूर्ण मुगल राज में चलाने की अनुमति, क्या हुआ कि फर्कुशियर क्या किया ना, एक शाही फरमान दिया, अंग्रेज तो तेज था, तो फर्कुशियर से एक शाही प्रमाण ले लिया, 1700 व्यापारी का हम विस्तार देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बात कि हम लोग अभी व्यापारिक विस्तार देख रहे हैं,
हट नहीं रहा, छोड़। तो शाही फरमान दिया, इसको क्या बोला जाता है? तो बोलेगा कि 1717 में फर्रुखशीर जो शाही फरमान दिया उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है, बताओ कोई, मैं आदेश। नहीं, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। बोलेगा कि 1717 में फर्रुखशीर जो शाही फरमान दिया उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो ये मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ठीक है, आओ आगे आ जाओ, आओ आगे आ जाओ। अब देखो, एक स्वर्ण फरमान किसको बोला जाता है? तो गोलकुंडा। ठीक है, नोट करके लिखना, अगला नोट, नोट करके। गोलकुंडा भी है ना, हैदरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में है ना। आंध्र तो नोट लिखो, स्वर्ण फरमान, गोल्डन डिक्री, स्वर्ण फरमान, स्वर्ण फरमान, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा को, गोलकुंडा के राजा क्या किए, एक स्वर्ण फरमान दे दिए। वो क्या अंग्रेजों को दे दिए कि 500 पैगोडा, कोई उस समय का मुद्रा होता होगा, तो 500, ये 1632 में पूरा गोलकुंडा को 500 पैगोडा पे दे दिया गया। तो बोलेगा कि गोलकुंडा के फरमान को क्या बोला जाता है? तो स्वर्ण फरमान बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, दक्षिण भारत में क्या चल रहा था वो देखते हैं। तो देखो, दक्षिण भारत, अंग्रेजी विस्तार के बारे में देख रहे हैं, अंग्रेजी विस्तार में क्या क्या हुआ था। अब देखो, फिर पढ़ेंगे अंग्रेजों का विस्तार कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी लड़ाई हुई, फिर हम लोग धीरे 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 खत्म करेंगे इसको। 8 बज तो आज रहने, यहीं रहने दें, गया सर। जी सर। ऐसे भी 2 घंटा हो गया है आपका, इसको भी बंद करते हैं पहले। सर।